गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में, और आज मैं आपको हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बना करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बेसन के चीले। बेसन के चीले बनाने के लिए एक बड़ा बाउल बेसन है, एक चम्मच नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर है और थोड़ा पानी है। सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर बेसन को डाल देंगे। अब इसके अंदर नमक डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है, जो कि मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। दोनों हाथों से मसलते हुए कसूरी मेथी को भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और अच्छे से किसी भी हैंड मैशर से इसे मैश करेंगे। हमें इसमें एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर पानी डालना है और सभी चीजों को हैंड मैशर से अच्छे से मैश करते हुए एक परफेक्ट पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर के रेस्ट पे रखेंगे जब तक स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए 500 ग्राम पनीर को कद्दूकस किया है, 3 टमाटर, 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च, तीनों ही चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा हरा धनिया मैंने बारीक चॉप किया है और फूल गोभी को कद्दूकस किया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च, तीनों ही चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। और एक बाउल के करीब गाजर है जिसे मैंने कद्दूकस किया है। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और हींग। सभी चीज़ों को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर कुछ चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को गर्म करेंगे। अगर आप घी की जगह पे कोई ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। घी को गरम करेंगे। अब इसके अंदर जीरा डाल दिया है और थोड़ी हींग पाउडर भी डाल देंगे। जीरे को लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे। अब इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, दोनों ही चीजों को डाल देंगे। चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर के लिए पकाएंगे। यहाँ पर सभी चीजें लाइट गोल्डन हो चुकी है, इस स्टेज पे इसके अंदर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। दोबारा से चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे और आप इसके अंदर नमक मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही साथ अब इसके अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दी है, इसे भी चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट होने तक ही प्याज को पकाना है। अगर आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई और सब्जी भी ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप इनमें से कोई सब्जी स्किप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इस स्टेज पे इसके अंदर बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक किसी तरह से पकाएंगे। इस स्टफिंग को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही कम खर्च के साथ, बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से बनकर के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो कि हम इसे घर में रखे सामान से ही तैयार कर रहे हैं, और बातों ही बातों में दोनों चीजें सॉफ्ट हो चुकी है। कद्दूकस की हुई गाजर और कद्दूकस की हुई फूल गोभी, दोनों ही चीजों को इसके अंदर डाल दिया है और चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। अब मैं इन्हें फूल आंच पर पका रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हो कि हमारी स्टफिंग देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। आप इसके अंदर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ऐड करें या फिर इनमें से किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से लगातार चम्मच से हिलाते हुए इसे पकाएंगे।
ये स्टफिंग खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे रोटी, परांठा, नान, पूरी किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे भर के रोल तैयार कर सकते हो, सैंडविच तैयार कर सकते हो, या फिर टोस्ट बना सकते हो, या फिर आप इसे परांठे के अंदर या फिर चिले के अंदर भी भर सकते हो। यह सभी तरह से काफी टेस्टी लगती है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ थोड़ी पक चुकी है। जब सब्जी 60-70% तक पक जाए तब इसके अंदर बारीक चौपके हुए टमाटर को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी, और साथ ही साथ गरम मसाला भी इसके अंदर डाल दिया है। लगातार चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे, जब तक कि टमाटर का रस और सारी सब्जियों का पानी अच्छे से सूख ना जाए। अब इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। जब तक सब्जियों का पानी आपको कढ़ाई के अंदर दिखता है तब तक आप इसे तेज आंच पर पका सकते हो। और आप देख सकते हो कि स्टफिंग कितने अच्छे से तैयार हो रही है और कलर कितना सुंदर आया है। यहाँ पर सारी चीजों का पानी अच्छे से सूख चुका है। इस स्टेज पे इसके अंदर बारीक चौपके हुए हरे धनिये को भी डाल देंगे। चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। ये स्टफिंग बहुत ही कम खर्च के साथ, बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से बनकर के तैयार हो जाती है। और इस स्टफिंग के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ती है और ये स्टफिंग उसी पानी में पक कर के तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसे बनाना कितना ज्यादा आसान है और कितना ही सुंदर इसके अंदर कलर आया है। अब इसके अंदर कद्दूकस किए हुए पनीर को भी डाल देंगे। ये मलाई वाला पनीर है इसलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है और ये स्टफिंग को काफी क्रीमी कर देता है। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि पनीर कितना क्रीमी है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी पनीर यूज़ कर सकते हो। अगर आप पनीर को कद्दूकस करके डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, या फिर आप इसे बारीक चॉप करके डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। बातों ही बातों में हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ देर तक इसी तरह से हम इन्हें पकाने वाले हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पनीर की स्टफिंग बनकर के तैयार हो चुकी है और देखने में कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद पेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे और चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो भी डाल सकते हो, और आपको ये उसी टाइम पे डालना है जिस टाइम पे हम चीले तैयार करें। यहाँ पे हमने एक तवे को गर्म कर लिया है और घी से ग्रीस कर लिया है। आप घी, तेल या बटर किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। आप इसके ऊपर थोड़ा पेस्ट डालेंगे और चम्मच से फैलाते हुए इसे अच्छे से सेट करेंगे। आप देख सकते हो कि हम कितने अच्छे से चिल्ले को सेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम धीरे धीरे से फैलाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। जिस साइज़ का भी आपको चिल्ला चाहिए है आप उसी के हिसाब से इसके ऊपर पेस्ट डालें और चम्मच से हिलाते हुए, दबाते हुए, थोड़ा फैलाते हुए इसे अच्छे से सेट करें। अगर आप चीले की किनारियों पे थोड़ा तेल या घी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, मैंने स्किप किया है। और एक पलटे से सारी किनारियों को धीरे धीरे तवे से अलग करेंगे। चीला बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि सारी किनारियों को अच्छे से तवे से अलग करना है। आपने यहाँ पर देखा कि एक किनारी तवे से चिपकी रह गई थी, जो कि मैंने पलटे से अलग नहीं की थी, इसलिए हमारा चीला हल्का सा फट गया है। और चम्मच से मैंने स्टफिंग को भी चिल्ले के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। अब चिल्ले को पलटे से थोड़ा सा उठाते हुए फोल्ड करेंगे और इसी तरह से मैं चिल्ले को उलट पुलट करते हुए पका रही हूँ। अगर आप चाहो तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा घी या तेल लगा सकते हो और चिल्ले को अच्छे से ग्रीस कर सकते हो। मैंने स्किप किया है, मैं इसे बहुत ही कम घी या तेल के साथ तैयार कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि उलट पुलट करते हुए हमने चिल्ले को लाइट गोल्डन कर लिया है और यहाँ पर हमारा चीला बनकर के तैयार है। कितना ही परफेक्ट ये तैयार हुआ है आप देख सकते हो। आप इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं एक चीला आपको और बना करके दिखा रही हूँ। तवे को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। आप इसके ऊपर बेसन का पेस्ट डालेंगे और चम्मच से फैलाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे।
तो आप देख सकते हो कि चिल्ले बनाने कितने ज़्यादा आसान हैं और हमारा जब भी मन हो हम इन्हें बना करके खा सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी डिश होती है। ये चिल्ले बहुत ही कम खर्च के साथ बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाते हैं और इन्हें हम घर पर रखे सामान से ही तैयार कर सकते हैं। इन चिल्लों को हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ट्रैवल में ले जा सकते हैं या फिर आपके घर में गेस्ट आए हैं उस टाइम पे आप बना सकते हो। आप स्नैक्स टाइम पे इन्हें बना करके खा सकते हो। रोटी चावल खाने का दिल नहीं है तब भी आप इन्हें बना करके खा सकते हो। धीरे धीरे पलटे से सारी किनारियों को छुड़ाते हुए तवे से अलग कर लेंगे। अब चिल्ले को पलट देंगे और थोड़ा सा पलटे से दबाते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब इसके ऊपर मैंने स्टफिंग रख दी है। स्टफिंग को हम चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे। आप स्टफिंग को कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हमने पलटे से इसे दोबारा से फोल्ड कर दिया है और उलट पुलट करते हुए इसे पका रहे हैं। पहले वाला चिल्ला मैंने बिल्कुल आपको ऑयल फ्री दिखाया है और इस चिल्ले को मैं दोनों तरफ से घी से दोबारा से ग्रीस कर रही हूँ। हम दोनों ही तरह से चिल्ले को बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो आप उसी तरीके से चिल्ले को बनाइएगा। उलट पुलट करते हुए इसे भी लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे और यहाँ पे हमारा चिल्ला बन करके तैयार हो चुका है। अब इस चिल्ले को भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और आप देख सकते हो कि चिल्ले कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सारे चिल्लों को बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो कि चिल्ले देखने में कितने ज़्यादा यम्मी दिख रहे हैं और मैं आपको एक चिल्ला खोल करके दिखा रही हूँ कि स्टफिंग इसके अंदर कितने अच्छे से सेट हो चुकी है। पनीर की स्टफिंग के साथ बेसन के चिल्ले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हरी चटनी और सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप इन्हें किसी भी चटनी, किसी भी अचार, चाय, कॉफ़ी या फिर दही रायते के साथ सर्व कर सकते हो और ये सभी चीज़ों के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि चिल्ले कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे बेसन के चिल्ले बनकर के तैयार है। देखने में जितने यम्मी है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और ये सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बेसन के चिल्ले कैसे बने, घर परिवार में सभी को कैसे लगे। और अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।